दोस्तों आज के वीडियो मैंने उन सभी भाइयों के लिए बनाई है जो लोग अभी सोच रहे हैं कि लैपटॉप लेने की या फिर पीसी लेने की, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लेना चाहिए, कौन सा बेहतर रहेगा, लैपटॉप लेना बेहतर रहेगा या फिर पीसी लेना बेहतर रहेगा। तो अगर आपका भी यही कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जानेंगे लैपटॉप और पीसी खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में, ताकि दोस्तों आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं तो आपको उस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज बेस्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर दोस्तों मैं ऐसे ही कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देखनी है जैसे कि गेम्स रिलेटेड या फिर टेक्निकल वीडियोस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो लाइक कर दो। इस वीडियो पे दोस्तों मैं 400 लाइक का टारगेट रखता हूं, जो मेरे ख्याल से आप लोग जरूर कर देंगे, लाइक और शेयर कर देना। चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लैपटॉप और पीसी खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं लैपटॉप खरीदने के फायदों के बारे में। तो दोस्तों लैपटॉप खरीदने का सबसे पहला फायदा ये है कि अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको हमेशा बाहर ट्रेवल करना पड़ता है तो आप लोगों को लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग लैपटॉप को कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं लैपटॉप खरीदने के दूसरे फायदे के बारे में। तो दोस्तों लैपटॉप को आप मोबाइल की तरह चार्ज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें भी बैटरी आती है, तो अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो भी आपका लैपटॉप चालू रहेगा और आप लैपटॉप में अपना जो काम है उसे कर पाएंगे। दोस्तों लैपटॉप खरीदने का तीसरा फायदा ये है कि आपको इसे रखने के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसे कहीं भी छोटी जगह पे भी रख सकते हैं और अपना जो काम है उसे आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप खरीदने का चौथा फायदा ये है कि आप लोगों को एक्सटर्नल चीजें लेनी नहीं पड़ती, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या फिर स्पीकर, वो सारी चीजें आपको लैपटॉप के अंदर ही मिल जाती है, तो इसका खर्चा आपका बच जाता है। दोस्तों ये होंगे लैपटॉप खरीदने के फायदों के बारे में बातचीत। अब जानते हैं लैपटॉप खरीदने के नुकसान के बारे में। दोस्तों लैपटॉप खरीदने का सबसे पहला नुकसान ये है कि समय के साथ अगर आपका जो लैपटॉप है वो स्लो होता है तो उसे आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग उसमें प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड या फिर मदरबोर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे काफी लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई प्रोसेसर को हम बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लैपटॉप है जिसमें आप लोग प्रोसेसर को बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे ऐसे लैपटॉप है जिसमें आप लोग उसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन चीजों को आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, ये इसका दोस्तों माइनस पॉइंट है। दोस्तों लैपटॉप खरीदने का दूसरा नुकसान ये है कि इसकी कीमत तो ज्यादा होती है, लेकिन दोस्तों कीमत के मुताबिक इसका जो परफॉर्मेंस है वो खास नहीं होता है। इसके बारे में मुझे खास पता है, क्योंकि दोस्तों मैंने 30,000 का लैपटॉप लिया, अगर मैं 30,000 का पीसी लेता तो उससे मुझे काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता। कल दोस्तों मैंने इस लैपटॉप में GTA 5 इंस्टॉल की थी 60 GB की, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि GTA 5 तो चली पहले, लेकिन दोस्तों बाद में जो फर्स्ट लेवल आया उसमें काफी लैग करने लगी, तो इससे मुझे पता चला कि इसके बजाय तो पीसी ही अच्छा है। अगर आपका बजट इतना है तो आप लोग पीसी जरूर लेना, लैपटॉप के साथ मत जाना अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो। दोस्तों लैपटॉप खरीदने का तीसरा माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों आप लोगों का जो बजट है वो 40,000 के आसपास होना चाहिए, 40,000 के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप लोगों को एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप मिलेगा जिसमें आप लोग अच्छी गेम्स खेल पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट 30,000-25,000 जैसा है तो आप लोग कभी लैपटॉप मत लेना गेमिंग के लिए। अगर आप लोग ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना होगा और उसमें आपको अच्छे खासे लैपटॉप मिलेंगे, तो ये दोस्तों इसका माइनस पॉइंट है। अब दोस्तों हम जानते हैं लैपटॉप खरीदने के चौथे नुकसान के बारे में। इसका मुझे एक्सपीरियंस है दोस्तों, कुछ समय के बाद दोस्तों 1-2 साल होने के बाद दोस्तों आपका जो लैपटॉप है उसकी जो बैटरी वो ड्रेन होने लगेगी जल्दी ही। जैसे आपको पता होगा कि मोबाइल में बैटरी खराब हो जाती है, वैसे दोस्तों लैपटॉप में भी खराब हो जाती है, तो इसके लिए आपको चार्जर को लगा के ही काम करना पड़ेगा। तो इससे ऐसा तो आप लोग पीसी ले लीजिए, डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए और अपना काम करते रहें। अभी दोस्तों आप लोगों ने जाना लैपटॉप खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में, अब हम जानते हैं कि पीसी यानी कि कंप्यूटर खरीदने के फायदे और नुकसान क्या क्या है।
तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कंप्यूटर खरीदने का सबसे पहला फायदा ये है कि आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक पीसी बिल्ड करवा सकते हैं या फिर प्री बिल्ड पीसी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बजट 20,000, 35,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 इतना बजट है और आप गेमिंग के लिए या फिर एडिटिंग के लिए या फिर ऑफिस वर्क के लिए कोई भी पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। दोस्तों ये है इसका प्लस पॉइंट, आप अपनी मर्जी का पीसी खरीद सकते हैं। दोस्तों पीसी खरीदने का फायदा ये है कि आप लोग अपने पीसी पार्ट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड या फिर ग्राफिक कार्ड या फिर रैम, इन सभी चीजों को आप लोग आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है पीसी खरीदने का। दोस्तों पीसी खरीदने का तीसरा फायदा ये है कि अगर आपको गेमिंग का शौक है तो आप पीसी में काफी लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में अगर आप 3-4 घंटे लगातार गेमिंग करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो काफी हीट हो जाएगा और बीच में लैग होने भी लगेगा। इससे अच्छा तो दोस्तों आप एक गेमिंग पीसी ले लें या फिर पीसी बिल्ड करवा लें ताकि आप अच्छे से गेमिंग कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे ग्राफिक के साथ आप गेम्स खेल सके, तो आपके लिए दोस्तों पीसी बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये थे पीसी खरीदने के फायदे, अब जानते हैं आप इसके नुकसान के बारे में। इसके भी दोस्तों नुकसान है आपको जानने होंगे। दोस्तों कंप्यूटर लेने का सबसे पहला नुकसान ये है कि आप लोग इसे कहीं भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि दोस्तों इसके साथ बहुत सी चीजें होती है। तो अगर आप लोग घर पे ही काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, अगर बाहर ले जाते हैं तो आपको सारी चीजें ले जानी पड़ेगी। तो ये इसका माइनस पॉइंट है कि आप इसे कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग लैपटॉप को ले जा सकते हैं लेकिन वो साइज में छोटा आता है, 2-3 किलो का होता है, वहीं दोस्तों इसका सीपीयू ही 4-5 किलो का होता है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि आप इसे क्यों नहीं ले जा सकते। दोस्तों कंप्यूटर लेने का दूसरा नुकसान ये है कि आपको इसे घर में रखने के लिए जगह देनी पड़ेगी और उतना ही ये रोक लेगा, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। दोस्तों कंप्यूटर खरीदने का तीसरा नुकसान ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली लाइट के साथ कनेक्टेड होता है, तो लाइट जाने के बाद आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। तो कंप्यूटर को लाइट जाने के बाद चालू रखने के लिए एक चीज आती है जो आपके कंप्यूटर को 5 या फिर 10 मिनट तक चालू रखती है, उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग उसका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों ये इसका माइनस पॉइंट है कि डायरेक्टली लाइट जाने के बाद आपका पीसी बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये थे लैपटॉप और पीसी खरीदने के फायदे और नुकसान जो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोगों को ये जानने को मिला होगा कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता चल गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना और दोस्तों मैं ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर लाता रहता हूँ, तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि दोस्तों हमारे जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।